हाँ जी, तो बाउंडेड फंक्शन तो सारा समझ में आ गया था। ये कुछ क्वेश्चन है, फटाफट जरा बताओ। आपको बताना है कि ये फंक्शन बाउंडेड है या नहीं। हाँ तो बेसिकली बाउंडेड फंक्शन निकालने के लिए रेंज आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपको रेंज नहीं मिलेगी तो आप उसको डिटरमिन नहीं कर पाओगे वो बाउंडेड है कि नहीं। और रेंज निकालने के लिए बेसिक लेवल का रेंज का कॉन्सेप्ट जो 11th में पढ़ा है उसको यूज करना है। जैसे यहाँ देखो, ये वाई वाला फंक्शन है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका रेंज निकालने के लिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, न्यूमरेटर में जो 1 है इसको मैंने 2 माइनस 1 लिख दिया। क्यों लिखा ऐसा, क्यों लिखा? बिकॉज देन ये दोनों टर्म को अगर क्लब करो, हाँ हाँ कैंसिल हो रहा है, तो 2 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड माइनस 1। क्लियर है? अब जो लॉज ऑफ इनइक्वालिटी आप जानते हो उसके बेसिस पर आप रेंज तक जा सकते हो। कैसे? We all know that sin square, वैसे इसका डोमेन क्या होगा बताओगे? इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि x की किसी वैल्यू के लिए sin x डिफाइंड है, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है, 1 से बड़ा है तो हमेशा डिफाइंड है। तो आपको ये पता है कि sin square x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती? 0 to 1। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? 1 से 2। एग्रीड? तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 1 रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। एग्रीड? अब इसमें क्या करें, 2 मल्टीप्लाई करें। आ जाओ आ जाओ, पूछ रहे नहीं तुम्हारे तुम्हारा एकदम बिल्कुल। हाँ बोलो, 2 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या है? बोलो बेटा, क्या हुआ? 1 छोड़ जाओ तो यहाँ सामने आरोप के बगल बैठो, लड़ाई हुई क्या उससे तेरी? यहाँ जगह खाई आ रहा, यहाँ क्यों नहीं बैठ रहे? बेटा तुमको ना क्या ये दिखता नहीं तेरे को, यहां से मेरे से ज्यादा हालत खराब है। चल कोई बात नहीं, पीछे वाले बैठ जाओ। हाँ तुम आ गए, हाँ ठीक है। हाँ जी, आप बोलो, अभी हो गया 2 से लेकर के कहां तक? 1, और फिर 1 सबट्रैक्ट कर दो, 1 सबट्रैक्ट करो तो ये 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन ये हो जाएगा y, और ग्रेटर देन ये 0 हो गए, राइट? तो इससे तुम्हें क्या पता चला कि y कहां से कहां वेरी कर रहे हैं? 0 से 1 क्लोज इंटरवल, राइट? अब मैं बोलो व्हाट इज LUB, लीस्ट अपर बाउंड क्या है इसका? लीस्ट अपर बाउंड 1, क्योंकि 1 इस फंक्शन की कोई भी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, और 1 ऐसे सबसे छोटी नंबर, 1 से छोटी कोई भी नंबर लेंगे तो उसका एलयू भी 1 नहीं होगा, तो लीस्ट अपर बाउंड 1 है, वेल डन। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है? 0। और मजे की बात है कि फंक्शन की मैक्स वैल्यू भी 1 है और फंक्शन की मिन वैल्यू क्या है? 0, तो डेफिनेटली बाउंडेड है।
किसी भी फंक्शन को बाउंडेड होने के लिए क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यू के लिए, उसकी फंक्शन के लिए एक अपर बाउंड मिलना चाहिए, एक लोअर बाउंड मिलना चाहिए। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि इफ एल यू बी एंड जी एल बी एग्जिस्ट फॉर एनी फंक्शन फॉर एफ एक्स, देन एफ एक्स इज बाउंडेड, ट्रू और फॉल्स? अगर किसी फंक्शन के लिए लीस्ट अपर बाउंड मिल गया, भाई आपको एक अपर बाउंड चाहिए होता है, एलयूबी तो बहुत अच्छी बात है ना, एलयूबी मिल गया तो डेफिनेटली एक भी अपर बाउंड मिलेगा तो लीस्ट अपर बाउंड मिलेगा, दिस इज फॉर श्योर। समझ आ रही बात की नहीं? जैसे मान लो कि आप जो है एक कोई मच्छर हो और आप इस रूम में ऐसे ऐसे टहल उड़ रहे हो हवा में, है ना, तो फ्लोर इज योर लोअर बाउंड एंड रूफ इज योर अपर बाउंड, हार्डली मैटर्स वेदर यू टच द रूफ आर फ्लोर आर नॉट, दैट इज अपर बाउंड, दैट इज लोअर बाउंड। सपोज तुम टच नहीं कर रहे हो, तुम ऐसे ऐसे चल रहे हो, अब मैं ऊपर छत को ऐसे नीचे ले आऊं, मान लो मेरे पास कोई मैकेनिज्म हो, छत को मैं खींच करके नीचे की तरफ ले आऊं, तो कभी 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 ना कभी तो वो ऐसी पोजिशन पर आएगा जब उससे नीचे नहीं ला सकते हम, क्योंकि तुम्हारी टेरिटरी में आ जाएगा ना, तुम ऐसे ऐसे उड़ रहे हो ऐसे ऐसे करके ऐसे, तो उसके नीचे लाओगे तो तुम टकरा जाओगे उससे, तो वो लीस्ट अपर बाउंड कि कितना छत को आप नीचे ड्रैग कर सकते हो। अब छत और तुम्हारी वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं, रूफ का हाइट और तुम्हारा हाइट इससे कोई रिलेशन नहीं है, वो अलग नंबर है और तुम्हारा हाइट एक अलग आउटपुट है। योर हाइट इज योर पोजिशन इज योर आउटपुट, योर वाई कोऑर्डिनेट इज योर आउटपुट, बट रूफ रूफ एक अलग इंडिपेंडेंट नंबर है जिसको आप अपर बाउंड बोलते हो। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, कब? When you are capable of attaining that height, इसलिए मैंने बोला कि least upper bound exist करेगा, लेकिन function वो value attain कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो conditional। इस केस में close interval था, इसलिए function ने वो value attain कर दी, but अगर इसी का range अगर open interval होता तो function की value LUB के equal नहीं हो पाती, ठीक है? Anyway, तो function को bounded होने के लिए उसका LUB और GLB exist करना चाहिए, that's it। ऐसे ही अब दूसरे वाला तो क्लियर है, बाउंडेड है, ये बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है, क्योंकि इसकी रेंज क्या आएगी, 1 से 5, साइन एक्स माइनस 1 से 1, 2 साइन एक्स माइनस 2 से 2, 3 ऐड कर, क्लियर है ना? तीसरे वाला बाउंडेड है कि नहीं? e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर किसी फंक्शन का एल यू बी और जी एल बी दोनों सेम हो जाए तो वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसकी मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू दोनों सेम हो जाएगी। हाँ जी बोलो, तीसरा फंक्शन बोलो, तीसरा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, दोनों पॉजिटिव हैं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ, क्या लगाया मैंने, amgm। क्यों लगाया amgm? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट था तो दोनों पॉजिटिव थे, तो ये आइडियल कंडीशन होती है। तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का रेंज क्या आया बोलो, ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो तो ये तो 1 आ गया ना, 1 2, तो इसकी रेंज क्या आई, y belongs to 2 close से infinity, अब 2 close से infinity का मतलब unbounded है, clear सी बात है। क्यों unbounded है? Unbounded because LUB does not exist। और GLB, GLB 2 minimum value, close interval है, इसलिए minimum value GLB के equal है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब डी डी पार्ट की बात करो, डी पार्ट
तो ये अनबाउंडेड फंक्शन हुआ, अनबाउंडेड, क्योंकि इसकी रेंज आई टू से इंफिनिटी। एक सेकंड, इट इज अ गुड क्वेश्चन। ए एम जी एम लगाना, इसका डिसीजन कैसे लेंगे? ए एम जी एम लगाने का डिसीजन कैसे लेंगे? जब ए एम जी एम इनइक्वालिटी ऑफ मीन 11th में किया होगा तो वहां बताया गया है कि डिसीजन कैसे लेते हैं, याद है कुछ? पॉजिटिव नंबर्स हो एंड इनइक्वालिटी जिसमें वेरिएबल जो इन्वॉल्व है वो पॉजिटिव है तभी ए एम जी एम लगा सकते हैं, अदरवाइज लगा ही नहीं सकते। तो पहला डिसीजन तो यहां से आता है कि वो नंबर जिसके बारे में बात हो रही है वो पॉजिटिव है कि नहीं। तीन बातें डिसाइड करती हैं कि एमजीएम सक्सेसफुली लगाया जा सकता है या नहीं। वो तीन बातें मैं फिर से बता रहा हूं, समझ लो। नंबर्स आर पॉजिटिव, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि समेशन का मिनिमम वैल्यू चाहिए और प्रोडक्ट कांस्टेंट हो। अगर नंबर्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो और उनके समेशन की लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी तो ये मिल जाएगी एमजीएम से। क्यों? क्योंकि राइट साइड कांस्टेंट हो गया तो समेशन ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग आ जाएगा, तो समेशन की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर पॉजिटिव नंबर्स हो और उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, उनके समेशन का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना हो, तो इसका मतलब एमजीएम लगे। ठीक है, और तीसरी बात, प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो, प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना हो और समेशन गिवन हो तो एमजीएम लगेगा। मतलब मैंने क्या बताया, नंबर्स पॉजिटिव हो, प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना हो गिवन समेशन के लिए, या समेशन को मिनिमाइज करना हो गिवन प्रोडक्ट के लिए, तो एमजीएम इज एन आइडियल ऑप्शन। अब यहां मुझे कैसे पता चला, समझ में आ गया होगा आपको, हमें इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, मतलब मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू तो मुझे ऐसे देख के पता चल रही है, आपको भी पता चल रही होगी कि एक्स को बढ़ाते जाओ तो बढ़ता जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे निकालनी भी नहीं, मिनिमम निकालनी है, समेशन का मिनिमम वैल्यू निकालनी है। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा तो 1 आ गया, तो प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है, तो आइडियल कंडीशन है एमजीएम लगेगा। इज दैट क्लियर निशांत? सही है ना? चलिए डी पार्ट का आंसर करिए। हाँ, क्या है, बाउंडेड है? कैसे पता चला बाउंडेड है? रेंज निकाली, क्या बात है, रेंज निकाली। क्या रेंज आया? -1 से 1। कैसे निकाला रेंज? इसको रेंज निकालने के कई सारे तरीके, बहुत सारे तरीके हैं। तो उसमें एक तरीका तो ये है कि x इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल। जब किसी वेरिएबल का डोमेन ऑल रियल है तो उस वेरिएबल के अगेंस्ट में tan थीटा पुट किया जा सकता है, क्योंकि tan थीटा का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल। tan थीटा की रेंज क्या होती है, ऑल रियल। x को मैंने tan थीटा पुट कर दिया, क्यों किया, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये sin 2 थीटा बन जाएगा, और sin 2 थीटा बन गया तो रेंज आ गई -1 से 1, बिना कुछ किए हुए। जादू हो गया ना, है कि नहीं निशांत? सही है, हैं? पक्का ना? तो रेंज निकालने के लिए ये सब सब्स्टिट्यूशन, ये बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन से रेंज निकाला मैंने, जरूरी था कि ऐसे ही करते? एक तरीका और भी था, ऐसे देखो, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 1/2 x + 1/x। ठीक है, तो x प्लस 1/x की रेंज निकाल सकते हैं, क्या होगी? -∞ से -2 union 2 से infinity। ये 2 से infinity, ये तो amgm से ही दिख जाएगा। अगर x पॉजिटिव है तो 2 से infinity होगा, और नेगेटिव होगा तो हर पॉजिटिव की नेगेटिव वैल्यू ले लेगा, तो -∞ से -2 भी आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ये डिनोमिनेटर अगर ये है तो न्यूमरेट इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा? ये किसका रेसिप्रोकल है? ये किसका रेसिप्रोकल है?
माइनस हाफ से हाफ का, इसका मतलब है कि वन अपॉन एक्स प्लस वन बाई एक्स जो होगा दैट विल बिलोंग्स टू माइनस हाफ से हाफ, क्योंकि आप जानते हो माइनस हाफ से हाफ का रेसिप्रोकल करोगे तो माइनस इंफिनिटी से माइनस टू यूनियन टू से इंफिनिटी है, और फिर टू से मल्टीप्लाई कर दो तो टू वाई, वाई बिलोंग्स क्या आ जाएगा माइनस वन से वन, तो एम जी एम से भी आ गया, उससे भी आ गया, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जो जो एक कन्वेंशनल तरीका है वो तो है ही कि आएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू टू एक्स, और फिर ये एक्स में क्वाड्रेटिक बन गया, वाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, एक्स टू बी रियल क्योंकि डोमेन इसका रियल नंबर है ना, बोलो तो एक्स को रियल होने के लिए इस क्वाड्रेटिक का डी, हाँ डी इसका हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहां से फोर माइनस फोर वाई स्क्वायर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो वन माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो वन माइनस वाई इंटू वन प्लस वाई हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और विविकर मेथड से माइनस वन से वन आ गई रेंज की, वाई बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन। अब ये कैसा फंक्शन हो गया भाई, एल यू बी वन जी एल बी बाउंडेड है, बाउंडेड है, ये भी हो गया जी। क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको सीधे ही पता है किसकी रेंज ऑल रियल नंबर होती है, जितने भी ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल उनकी रेंज क्या होती है, ऑल रियल, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो अनबाउंडेड है ना, तो इसका एलयू भी एग्जिस्ट करेगा नहीं जीएल भी, और वन प्लस लॉग एक्स अनबाउंडेड है, ऑल रियल इसकी भी रेंज आएगी क्योंकि लॉग की रेंज क्या होती है ऑल रियल, उसमें वन ऐड करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी अनबाउंडेड। तो बाउंडेडनेस पर बात समझ में आ गई, एलयू भी जीएल भी बाउंडेड अनबाउंडेड कहानी समझ में आ गई सब कुछ। इसके बाद आ जाते हैं आप थोड़ा सा हटा दें, अब कुछ क्वेश्चंस करिए, सिर्फ थोड़ा सा इनइक्वालिटी का प्रैक्टिस दे रहा हूं क्योंकि रेंज में इनइक्वालिटी बहुत यूज होने जा रही है, ठीक है। तो ये चार पार्ट है, चारों का आंसर करिए क्विक जल्दी से, अब देखो अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, कितने लोगों का ए पार्ट का आंसर आ गया, जिसका नहीं आया उनको समझो पहले, दो तरीके हैं, एक तो ये जो फंक्शन है ये इस इंटरवल में एक पॉइंट पर अनडिफाइंड है, कौन सा पॉइंट,
2/3 इसमें है भी, इस इंटरवल में लाई भी कर रहा है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि मैं उस 2/3 से इंटरवल को अलग अलग कर दूं और फिर डायरेक्टली आंसर कर दूं। दूसरा तरीका है कि मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से जाऊं, x से 3x निकालूं, 3x से 3x-2 निकालूं, फिर रेसिप्रोकल करो, फिर 1, बस आंसर आ जाएगा स्ट्रेट वे। तो मैं सीधे प्रेफर कर रहा हूं पहले जाना, -2 से लेके x कहां वेरी कर रहा है, 4 तक। तो 3x कहां वेरी करेगा, 3 पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी, तो -6 less than 12, 2 सबट्रैक्ट करो तो आ जाएगा -8 less than 3x-2। कोई भी रियल नंबर ऐड सबट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी चेंज इन आ गया। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल याद है, अगर x जो है वो ए बी इंटरवल में लाई कर रहा है जिसमें a नेगेटिव है और b पॉजिटिव, तो 1/x कहां लाई करेगा, -∞ to 1/a, a खुद ही नेगेटिव है, तो 1/a, a का रेसिप्रोकल यूनियन 1/b से इंफिनिटी। तो अब मैं यहां लिखूंगा तो क्या आएगा, 1/3x-2 -∞ से -8 का रेसिप्रोकल क्या हुआ, 1/8 -1/8 यूनियन, और 1/10 से बोलो इंफिनिटी। तो y बिलोंग्स टू क्या आ गया, y बिलोंग्स टू -∞ to 1/8 -1/8 यूनियन 1/10 से इंफिनिटी। ये ओपन रहेगा सर, ओपन ओपन रहेगा ना, क्यों ओपन रहेगा, अरे क्योंकि यहां ओपन है इसलिए ओपन रहेगा। अच्छा डर जाते, क्यों ओपन रहेगा, क्यों ओपन रहेगा, अच्छा डरना नहीं, यहां ओपन है इसलिए ओपन, अगर यहां क्लोज होता तो हाँ, तो डोमेन में ओपन है इसलिए ओपन करना। दैट्स अगला, हाँ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, बी पार्ट, बी पार्ट जल्दी करो, इसी तरह से करना है बी पार्ट को। अच्छा जो बी पार्ट है इसका डोमेन में कोई ट्रबल पॉइंट है, -1 से 3 में क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर अनडिफाइंड हो, नो, है ना। इसका मतलब है कि आई कैन से दैट बी पार्ट एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, बी पार्ट कैसा है, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर अगर जीरो नहीं है तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो y इज इक्वल टू x-1/x+2 इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और अगर इसका डेरिवेटिव निकालो तो y प्राइम क्या आएगा, क्वेश्चन ट्रू लगा दो, x+2 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर x+2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 1 माइनस न्यूमरेटर x-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1 क्या आया बोलो, 3/x, क्या क्या मिला आपको, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, कंटिन्यूअस और इंक्रीजिंग है। तो आप इनइक्वालिटी डायरेक्ट भी ले सकते हैं, -1 less than x less than 3, तो f(-1) less than fx less than f3, तो फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर अगर पता चल जाए तो आप डायरेक्टली फंक्शन को ऑपरेट कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि इंक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है और डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करने पर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। लेकिन ऐसा तभी करना जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, उसके अंदर ब्रेकेज नहीं, अगर ब्रेकेज होगा बीच में तब ये फॉलो नहीं होगा, तब वो आपको ब्रेकेज से दो पार्ट करने पड़ेंगे और हर एक पार्ट में ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा, आंसर वहां से भी आएगा, लेकिन एक एक बार में लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब f-1 क्या है, व्हाट इज f-1, तो ये fx है, इसी में x को -1 डालो, -2 f3 2/5, बस ये आंसर है। तो इसका रेंज आ गया 2 1 -2 से
टू बाई फाइव ओपन ओपन इंटरवल। तो ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड? बाउंडेड है। इसका एलयू भी क्या है? टू बाई फाइव। जीएलबी क्या है? माइनस टू। बट ये फंक्शन दोनों में से कोई वैल्यू टेकअप नहीं कर रहा है। इसका एफ मैक्स नहीं डिफाइंड है, एफ मिन नहीं डिफाइंड है। एनीवे, इज दैट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। वैसे अदरवाइज इसको कैसे करते? मान लो ये चीज नहीं करते तो क्या करते? वेरी राइट, वेरी राइट। आप इसको लिख देते y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू। ये वन माइनस थ्री अपॉन x प्लस टू हो जाता है। फिर x प्लस टू का रेंज आता है, यहाँ टू ऐड करते वन से लेके फाइव, बोलो। तो वन अपॉन x प्लस टू क्या हो जाता है? दोनों साइड पॉजिटिव है, वन से वन बाई फाइव। फिर थ्री से माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो आ जाएगा माइनस थ्री लेस देन माइनस थ्री बाई फाइव, और फिर वन ऐड करेंगे, वन ऐड करेंगे तो माइनस टू हो जाएगा, और ये माइनस टू बाई फाइव, सॉरी टू बाई फाइव। आगे आंसर के नहीं सेम आंसर आ गया। तो क्या हुआ कि जो पहला वाला मेथड है ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा क्योंकि एक ही बार में आंसर आ जाएगा, और दूसरे वाले में आपको कई सारे स्टेप वर्कआउट करने पड़ेंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऐसे इसको रीअरेंज करना पड़ेगा इस फॉर्मेट में, तो वो करना आ जाएगा तो ठीक है, नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। बट द प्रॉब्लम इज ये हमेशा वर्क करेगा, वो वाला मेथड हर बार नहीं करेगा। कई बार आपको मतलब फंक्शन का मोनोटोनिक नेचर पता नहीं हो, ऐसा। बी हो गया, सी हो गया, अगला सी तो हो ही गया, सी और डी करो। सी में आप वर्बली आंसर बता सकते हो बिना पेन चलाए हुए? एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू जीरो टू नाइन क्लोज, जीरो क्लोज से नाइन क्लोज, एंड एक्स स्क्वायर प्लस फोर बिलोंग्स टू फोर टू थर्टीन। उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वन बाई थर्टीन से वन बाई फोर, बस आंसर आ गया। ये आ गया वन बाई थर्टीन से वन बाई फोर, वन बाई थर्टीन से वन बाई फोर क्लोज। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? फंक्शन वाले मेथड से करते तो क्या होता है? फंक्शन वाले मेथड से हमेशा नहीं करते ना। वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर जो फंक्शन है, ध्यान से देखो, ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है जब एक्स जो है वो जीरो से टू लाई करेगा ना, डिक्रीजिंग फंक्शन। सही बात है कि गलत? क्योंकि एक्स स्क्वायर जीरो से राइट साइड में एक्स स्क्वायर इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। एक्स स्क्वायर इंक्रीजिंग है तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर भी इंक्रीजिंग है। चार ऐड करने से ग्राफ जस्ट ऊपर जाता है तो इंक्रीजिंग ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंक्रीजिंग है तो उसका रेसिप्रोकल डिक्रीजिंग, ठीक है। और जब आप नेगेटिव साइड की बात करोगे तो नेगेटिव में यह फंक्शन कैसा है? एक्स स्क्वायर डिक्रीजिंग है तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर भी डिक्रीजिंग है, तो रेसिप्रोकल इंक्रीजिंग। मतलब है कि ये इंक्रीजिंग है जब एक्स की वैल्यू माइनस थ्री से लेके जीरो होगी। कुछ बात समझ में आ रहा है? तो माइनस थ्री से जीरो तक ये फंक्शन इंक्रीज करेगा और जीरो से टू तक डिक्रीज करेगा। ये देख के मुझे पता चला क्या कि माइनस थ्री से लेके जीरो के बीच में ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है, और इसके बाद कैसा है? डिक्रीजिंग है। इसका मतलब है कि जीरो पर मैक्सिमा है, ऐसे इंक्रीज करते हुए ये गया होगा, फिर यहां से आकर के ऐसा आएगा। जीरो पर मैक्सिमा होगा कि नहीं? जीरो पर मैक्स वैल्यू क्या आएगी? जीरो पुट कर दो, क्या आया? वन बाई फोर। ऐसा कैसे होगा? हाँ ठीक तो है, जीरो पर वन बाई फोर आ गया मैक्स वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी? या तो यहां होगी या तो यहां होगी, दोनों एंड में से जो छोटा हो जाए, क्योंकि भाई ऐसे गया तो इधर भी मिनिमम हो सकती है इधर भी हो सकती है, चेक करो।
जी माइनस थ्री पर वैल्यू क्या रही, 1/13, और 2 पर वैल्यू क्या रही, 1/8, तो 1/13 छोटा है और 1/8 बड़ा, ऑब्वियसली यही मिनिमम हो गया 1/13, 1/13 से लेके 1/4, ठीक है जी। ओके जी, अच्छी बात है, सी हो गया, डी का आंसर कर जाओ डी। मतलब देखो वर्चुअली आप रेंज कर रहे हो, रेंज में कोई ऐसा कोई हेवेली काम नहीं करना है, यही सब करना है, इनइक्वालिटीज को डील करना है बस, जो 11th में कराया था ना वही है, वही बेसिक मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो रेसिप्रोकल लो ब्ला ब्ला ब्ला, वही सब काम करो, ठीक है। थोड़ा और स्मार्टली कर सकते हो क्योंकि अब थोड़े बड़े हो गए, है ना, तो डी वाला पढ़ दो, डी डी का आंसर बोलो। इसमें भी वो बात बोल सकते हो उसी तरह से थोड़ा सा मॉडिफाई करके, कैसे, हाँ इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख सकते हो, ये हो जाएगा 1 - 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब जरा इसकी बात करो, ये फंक्शन तो वैसे ही है, नेगेटिव में डिक्रीज कर रहा है और पॉजिटिव, नहीं नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा है पॉजिटिव में डिक्रीज कर रहा है, ये वाला जितना मैंने हाईलाइट किया ये वाला, ठीक है। लेकिन जब माइनस से मल्टीप्लाई करो तो उल्टा हो जाएगा, मतलब है ये टोटल फंक्शन जो है, ये टोटल फंक्शन नेगेटिव में, नेगेटिव में, नेगेटिव साइड में इंक्रीज कर रहा है और पॉजिटिव साइड में डिक्रीज कर रहा है। इसमें भी ऐसे बता सकते, अरे उल्टा बता दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वन नेगेटिव साइड में डिक्रीज कर रहा है, उसका रेसिप्रोकल किया तो इंक्रीज कर रहा है, फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो डिक्रीज कर रहा है, तो उल्टा उल्टा हो गया ऐसे, ऐसे नेगेटिव में डिक्रीज करेगा और पॉजिटिव में इंक्रीज करेगा, ऐसा नेचर है जीरो के लेफ्ट और राइट। तो ऑब्वियस बात है कि जीरो पर क्या होगा इसका मिनिमम, और जीरो पर वैल्यू क्या होगी, वो तो निकाल के देख लो यार, जीरो पुट करो माइनस वन, तो माइनस वन इसकी लीस्ट वैल्यू होगी, और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, वो दोनों एंड पे होगी, एंड कहाँ है, प्लस इनफिनिटी, अरे डोमेन तो पूरा है ना पूरा, बट हाँ इस केस में एंड कहाँ है, थ्री, तो थ्री पर देखो और माइनस वन पे देखो, थ्री पर वैल्यू क्या है, एट बाई फोर बाई फाइव है, और थ्री पर वैल्यू फोर, माइनस वन पे वैल्यू क्या, जीरो, तो ऑब्वियस ही बात है कि फोर बाई फाइव बड़ा है, हाँ ओपन इंटरवल, दोनों जगह नहीं, ओपन इंटरवल राइट साइड, लेफ्ट वाला तो क्लोज रहेगा, ये ओपन, ठीक है जी। इसको अदरवाइज कैसे कर सकते थे, अदरवाइज कैसे कर सकते थे, अदरवाइज आप बिल्कुल वैसे चलो, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू जीरो से नाइन, एक्स स्क्वायर प्लस वन बिलोंग्स टू वन से टेन, बोलो बोलो बोलो, फिर वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन बिलोंग्स टू वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाय टेन, माइनस टू से मल्टीप्लाई करो तो माइनस टू लेस देन इक्वल टू माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन लेस देन माइनस वन बाई फाइव, और वन ऐड कर दो तो माइनस वन लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन फोर बाई फाइव, आंसर आ गया कि नहीं, वाई बिलोंग्स टू माइनस वन क्लोज से लेके फोर बाई फाइव ओपन, दिस इज ऑल। तो ये जो पहले हम लोग कर रहे हैं ना, ये तरीका, ऐसा वाला तरीका, ये तरीका अच्छा है, लेकिन ये इट इज, यू आर नॉट दैट मैच्योर राइट नाउ टू जस्ट ऑलवेज फॉलो दिस, क्योंकि ये तब कर पाएंगे आप अच्छे से इफिशियंटली जब आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन मोनोटोनिसिटी मैक्सिमम मिनिमम कर लेंगे, तब आपके लिए बिल्कुल आप तब कॉन्फिडेंस से करेंगे, बट ट्राई कर सकते हैं ऐसा, बट हमेशा काउंटर चेक करो, क्योंकि यहां हो सकता है आपसे डिसीजन में कुछ गलती हो जाए,
तो दूसरे वाले मेथड से करेंगे तो क्रॉस चेक हो जाएगा। प्रैक्टिस में तो कम से कम इस बात को लाओ सो दैट दोनों मेथड पे कमांड भी हो जाएगा और काउंटर चेक भी होता रहेगा, और धीरे धीरे ये वाला मेथड आपका क्या हो जाएगा, वो आपका स्ट्रेंथ बनता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इसी पर बैंक करेंगे और वो वाला नहीं करेंगे तो आपसे यू इट इज मोर प्रोन टू मिस्टेक्स राइट नाउ, तो आप कहीं पर गलतियां होंगी, फिर आपका आंसर नहीं मैच करेगा, तो कभी आपको लगेगा कि नहीं, अगर मान लो आपने आंसर जो आया उसी पर ओवर कॉन्फिडेंस में कि यही आंसर है, तो ये गलत हैबिट पड़ जाएगी, ठीक है, कि धक्के से आंसर निकाल लिया कुछ जुगाड़ करके, ऐसा वो नहीं चाहता, अभी परफेक्शन चाहता हूँ शुरू में, ठीक है। तो चलिए अच्छी बात है, इसके बाद लिखते हैं जी रेंज ऑफ फंक्शन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रेंज एंड हाउ डू वी कैलकुलेट रेंज। रेंज का डेफिनेशन क्या है तो सबको पता है, आपको भी पता होगा क्या, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट ऑफ फंक्शन गिवन द इनपुट लाइज इन द डोमेन। तो किसी फंक्शन के डोमेन के हर एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट्स आते हैं उनके आउटपुट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो उसको मैथमेटिकली मैथमेटिकल टर्म्स में लिखते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन इज y such that y belongs to codomain and y is nothing but f image of x for all x belongs to domain। ये लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ, कलेक्शन ऑफ y लाइंग इन द codomain which is equal to f image of x for every x belonging to domain। बट इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाते हैं, हम बोलते हैं क्या कि सेट ऑफ y, सेट ऑफ ऑल y फॉर विच x इज रियल फाइनाइट बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ फंक्शन, एग्रीड। x की इनपुट की वो सारी रियल फाइनाइट वैल्यूज जो डोमेन में लाई करती हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग सारे y का कलेक्शन, तो ऑब्वियस ही बात है कि कुछ ऐसा नहीं लग, जैसे मान लो मैं फंक्शन तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका कुछ डोमेन निकाल लेंगे, मान लो डोमेन है इसका df, ये डोमेन है मान लो, और अब आप क्या लिखोगे यहां से, आप लिखोगे x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, यहीं से ये लिखेंगे, ये लिखेंगे ना। अब जरा इसको पढ़ो, ऑल वैल्यू ऑफ y फॉर विच x इज रियल एंड फाइनाइट, मतलब इस इक्वेशन में x को रियल फाइनाइट होने के लिए y चाहिए, कि y के किस वैल्यू के लिए x रियल फाइनाइट है, मतलब है ये डोमेन ही हो गया इसका, तो y for which x is defined, यही तो रेंज हुआ, बोलो रेंज हुआ y की वो वैल्यूज जिसके लिए x डिफाइंड हो, तो ये इसका क्या हुआ, इस फंक्शन का y क्या हुआ, ये क्या हुआ रेंज जो है वो इस फंक्शन का क्या हुआ, डोमेन हुआ, so therefore it is equal to domain of f inverse y, मतलब range of fx is domain of f inverse y, तो जो function का range है वो उसके inverse function का क्या है, domain है, ये तो पहले से भी आपको पता है कि function का range inverse function का domain होता है, इस method को बोलते हैं method of inverse या मेथड ऑफ इन्वर्टिबिलिटी, ठीक है। इसी मेथड को हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे अगर कहीं मैंने बोला कि y इज इक्वल टू 3x माइनस 4 अपॉन x प्लस 2, ये फंक्शन है और इसका क्या निकालो, रेंज निकालो, तो आप हमेशा क्या करेंगे, टू फाइंड रेंज, बोलो क्या करेंगे, x को y में कन्वर्ट करेंगे, इसका इनवर्स फंक्शन लिखेंगे, है ना, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x को y के टर्म में लिखो तो आएगा x इनटू y प्लस 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 4, तो यहीं से आ जाएगा x इनटू y माइनस 3,
इसको इधर ले आए इज इक्वल टू माइनस फोर माइनस टू आई, तो यहां से x क्या है बेटा बोलो, 2y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस वाई आ गया। ये जो आपने लिखा ये क्या लिखा है, ये x इक्वल टू f इनवर्स y लिख दी, क्योंकि अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स है तो जब x को y के टर्म में लिखा तो f इनवर्स y तो आया, तो ये f इनवर्स y है और इसी का क्या चाहिए, डोमेन चाहिए, मतलब ये कब डिफाइंड होगा, y की किस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, जब y की वैल्यू 3 ना हो, तो आंसर आया देयरफॉर क्या गया, y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 3। और यही ये जो आपने बताया ये इस फंक्शन का क्या है, डोमेन है, बट इस फंक्शन का क्या है, रेंज है। बात समझ आ रही, इसको हटा दो। तो डेफिनेशन समझ में आ गया, रेंज ऑफ फंक्शन y को f x इज डिफाइंड एज सेट ऑफ वैल्यू ऑफ y फॉर विच x इज रियल एंड फाइनाइट एंड x लाइज इन द डोमेन ऑफ फंक्शन। सो क्लियर, यही बात मैंने पहले भी बताई आपको, रेंज इज ऑल्सो कॉल्ड डोमेन ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं, डोमेन ऑफ आउटपुट्स होगा ना, डोमेन ऑफ वेरिएशन, इट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये हमेशा कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट, कभी कभी कोडोमेन के इक्वल भी हो सकता है जब इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, तो जब कोडोमेन के रेंज इक्वल हो जाते हैं तो उसी को ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसका रेंज और डोमेन जल्दी लिखो क्विक, डोमेन में है तीन एलिमेंट है, अगर किसी फंक्शन में डोमेन में काउंटेबल फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो ऐसे फंक्शन का रेंज निकालने के लिए आपको कोई मेथड की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर डोमेन में मान लो एलिमेंट है अल्फा बीटा गामा, तो जितने इनपुट होंगे उतने आउटपुट आएंगे, हर इनपुट से आउटपुट निकाल के सीधे आंसर लिखो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यहां पर डोमेन में सिर्फ एक एलिमेंट है तो सिर्फ एक ही आउटपुट आएगा, कौन सा आउटपुट आएगा, तो रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा एफ जीरो, और f0 मतलब x को 0 पुट करके cos inverse 1, और cos inverse 1 क्या आएगा, तो cos inverse 1 अगर कोई एंगल थीटा है तो cos थीटा क्या होना चाहिए, 1, cos थीटा 1 कब होता है बेटा, 0 पर, हालांकि सिर्फ 0 पर नहीं होता, 2 पाई 4 पाई 6 पाई पर भी होता है, बट प्रिंसिपल डोमेन में सिर्फ 0 है, तो प्रिंसिपल डोमेन की वैल्यू ही होती है जो रेंज होती है। तो आ गया इसका मतलब है कि ये भी जरूरी नहीं है कि रेंज निकालने के लिए वही मेथड है, मेथड ऑफ इनवर्जन, ऐसा नहीं, वो तब करेंगे जब डोमेन कंटिन्यूअस इंटरवल हो, जब किसी फंक्शन का डोमेन कंटिन्यूअस इंटरवल होगा तब वो मेथड्स अप्लाई करेंगे जो भी आप सीख रहे हैं, सीखने जा रहे हैं या जानते हैं। जब डोमेन डिस्क्रीट सेट हो उसमें 2, 4, 5, 10 एलिमेंट हो तो रेंज डायरेक्ट निकल जाए, एक एक वैल्यू निकाल जाए, याद रहेगा। अब यहीं पर एक थोड़ा सा प्रिंसिपल डोमेन के बारे में याद है, प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है याद है, मोनोटोनिसिटी बताई थी मैंने, कोई फंक्शन मोनोटोनिक कब होता है, जब वो या तो थ्रू आउट इंक्रीज कर रहा हो या थ्रू आउट, लेकिन अगर कोई फंक्शन इंक्रीज करके डिक्रीज या डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है तो उसको नॉन मोनोटोनिक बोलते हैं। जो फंक्शन नॉन मोनोटोनिक होते हैं वो मिनी वन फंक्शन होते हैं, क्योंकि इंक्रीज किया वैल्यू ली, फिर डिक्रीज किया वापस वैल्यू रिटेक करी, तो मिनी वन फंक्शन होंगे। मेनी वन फंक्शंस के डोमेन को अगर आप ऐसे स्प्लिट कर दें कि वो मोनोटोनिक हो जाए, मतलब वन वन हो जाए, तो वन वन इंटरवल एक ऐसा इंटरवल डोमेन का जिसमें फंक्शन वन वन हो और ऑन टू सारी वैल्यू टेकअप कर जाए, बाइजेक्टिव हो जाए, उसको बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल डोमेन। तो कोई भी फंक्शन जो बाइजेक्टिव नहीं है उस फंक्शन के डोमेन का वो इंटरवल जिसमें फंक्शन बाइजेक्टिव है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डोमेन। जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, मिनिमम डिक्रीज करके फिर इंक्रीज कर रहा है, मिनी वन फंक्शन है। तो जीरो से इंफिनिटी में ये क्या हो गया, वन वन, और माइनस इंफिनिटी से जीरो में भी क्या हो गया, वन वन। तो मैं बोलूंगा कि ऑल्दो एक्स स्क्वायर जो है वो
मेनी वन फंक्शन है, क्योंकि ये डिक्रीज करके ऐसे जीरो हो रहा है और इस पॉइंट के बाद इंक्रीज करके इन्फिनिटी हो रहा है, तो ये मेनी वन फंक्शन है। बट इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, तो ये वन वन ऑन टू हो गया कि नहीं? ऑन टू क्यों? क्योंकि इसकी रेंज क्या आ रही है, जीरो से इन्फिनिटी। और अगर इस फंक्शन को मैं डिफाइन करूं ऑल रियल एक्सेप्ट ऑल रियल टू जीरो टू इन्फिनिटी, तो रेंज और कोड में निकल हो गए, तो बाइजेक्टिव हो गया। ऐसे ही अगर x बिलोंग्स टू जीरो से इन्फिनिटी करूं तो क्या हो जाएगा, फिर से वन वन ऑन टू हो गया। तो पूरी रियल नंबर लाइन पर ये मेनी वन फंक्शन, बट अगर इसे दो पार्ट कर दो तो ये क्या हो गया, तो इसमें भी वन वन हो गया और इसमें भी वन वन हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। तो इनमें से किसी भी इंटरवल को आप क्या ले सकते हैं, प्रिंसिपल डोमेन। प्रिंसिपल डोमेन इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए बेसिकली डिफाइन करते हैं, तो प्रेफरेबली पॉजिटिव वाले को प्रिंसिपल डोमेन लेते हैं। तो अब आप इसकी डेफिनेशन लिखो, प्रिंसिपल डोमेन क्या, इट इज अ सबसेट ऑफ डोमेन इन विच द फंक्शन एफ एक्स टेक्स ऑल इट्स वैल्यूज एग्जैक्टली वंस। आई रिपीट, सबसेट ऑफ डोमेन इन विच द फंक्शन एफ एक्स टेक्स अप ऑल इट्स वैल्यूज एग्जैक्टली वंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डोमेन। That is a subset of domain in which function is one one and onto bijective. जैसे sin x और cos x, ये दो function में आपको दिखा रहा हूं। sin x का graph ऐसा होता है, ऐसा है कि नहीं बोलो। sin x को अगर मैं यहां से यहां कंसीडर करता हूं इस इंटरवल में, कौन सा इंटरवल है, माइनस पाई बाय टू से, तो इस इंटरवल में साइन एक्स अपनी सारी वैल्यू टेकअप कर रहा है कि नहीं, ऑल पॉसिबल वैल्यू, और सारी वैल्यू को एक ही बार टेकअप कर रहा है क्योंकि इंक्रीज करते हुए जा रहा है। तो ये प्रिंसिपल डोमेन है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय। अब आप बोलोगे सर ये तो गलत बात है, ये वाला इंटरवल क्यों नहीं प्रिंसिपल डोमेन हो गया, यहां भी तो वही बात हो रही है। कौन सा इंटरवल, पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू, तो यस ये भी प्रिंसिपल डोमेन हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन प्रिंसिपल डोमेन की डेफिनेशन जो है वो बोल क्या बोली जाती है कि दैट इंटरवल हैज टू बी नियरेस्ट टू ओरिजिन, जीरो के नियरेस्ट होना चाहिए, सो दैट उसके अंदर जो इनपुट्स हैं वो न्यूमेरिकली छोटे हो, सिंपल हो। तो लिख दो इट इज नियरेस्ट टू ओरिजिन, इट इज नियरेस्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के जो सबसे पास वाला होगा उसको हम प्रिंसिपल डोमेन बोलेंगे। तो साइन एक्स में ऐसे इनफाइनाइट इंटरवल्स है, माइनस थ्री पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू से फाइव पाई बाय टू, ऐसे इनफाइनाइट इंटरवल्स है जिसमें वो वन वन एंड ऑन टू है। लेकिन जो ओरिजिन के नियरेस्ट है वो कौन सा है, माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, सो इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल डोमेन ऑफ साइन एक्स, याद रहेगा। इसी तरह से cos x की बात करो, cos x में तो और घपला है, cos x का ग्राफ देखो ऐसा होता ना, ऐसा ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, नो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। अब cos x में एक इंटरवल ये मिल रहा है जिसमें cos अपनी वैल्यू को इंक्रीज करते हुए माइनस वन से वन जा रहा है, और एक इंटरवल ये भी मिल रहा है, कौन सा, जीरो से पाई, जीरो से पाई और माइनस पाई से जीरो, ऐसे दो इंटरवल हैं, दोनों में वन वन ऑन टू है फंक्शन। अब यहां लफड़ा हो गया तो दो ओरिजिन के दोनों नियरेस्ट है, ओरिजिन के जितना पास जीरो से पाई है उतना ही पास माइनस पाई से जीरो है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, तो यहां पर एक और बात लिख दो, प्रेफरेबली पॉजिटिव। जब ऐसे दो इंटरवल मिल जाए जो ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पर प्लेस्ड हो, तो प्रेफर किसको करेंगे, जो पॉजिटिव वैल्यूज वाला इंटरवल है उसको प्रेफर करेंगे। तो इस वजह से कॉस का प्रिंसिपल डोमेन क्या होता है, कोसाइन एक्स फंक्शन का प्रिंसिपल डोमेन क्या लेते हैं हम, जीरो से पाई। तो ये कुछ है कि साइन एक्स का प्रिंसिपल डोमेन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, कॉस का जीरो से पाई। तो मैं कुछ फंक्शन बता दे रहा हूं, साइन कॉस टैन
cot, secant और cosecant, ये फंक्शंस के प्रिंसिपल डोमेन आपको याद रहने चाहिए, बाकी सब में कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्टैंडर्ड है। साइन का क्या हुआ, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, कॉस का जीरो से पाई, टेन का माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन, क्योंकि एंड पॉइंट पर टेन डिफाइन नहीं होता, कॉट जीरो से पाई ओपन, सीकेंड सीकेंड और कॉस का सेम होता है, सिर्फ पाई बाई टू हटा देना क्योंकि पाई बाई टू पर सीकेंड अनडिफाइंड हो जाएगा, कॉसेकेंड और साइन का सेम होता है, सिर्फ जीरो हटा देना क्योंकि जीरो पर कॉसेकेंड अनडिफाइंड हो जाएगा। ये जो छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनका प्रिंसिपल डोमेन आप अपनी तरफ से नहीं चूज कर सकते, ये डिफाइंड है और लगभग डेफिनेशन वही वाली यूज करी गई जो ऊपर मैंने बताई, सबसेट ऑफ डोमेन इन विच द फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू एंड इट इज कन्वेंशनली टेकन नियरर टू जीरो एंड प्रेफरेबली पॉजिटिव। अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं, इसकी बात इसलिए कर रहा हूं कि दो पॉइंट याद रखने के लिए, पहला रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स, किसी फंक्शन के इनवर्स फंक्शन का जो रेंज है वो होता है प्रिंसिपल डोमेन ऑफ एफ एक्स, क्योंकि फंक्शन के प्रिंसिपल डोमेन में ही फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, वन वन ऑन टू होना चाहिए ना इन्वर्स होने के लिए, किसी फंक्शन का इन्वर्स होने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा, बाइजेक्टिव होना पड़ेगा, और बाइजेक्टिव फंक्शन कब होगा, प्रिंसिपल डोमेन, ठीक है, ये पहला रूल है याद रखना। इसी से साइन इनवर्स का रेंज क्या होगा, तो साइन एक्स का जो प्रिंसिपल डोमेन होता है, तो जहां पर रेंज का पूरा मैंने लिखवाया था ना डोमेन लिखते समय रेंज भी लिखवाई थी सारे फंक्शन की, तो इस रूल को मैंने यूज किया। दूसरा डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, वो होगा रेंज ऑफ एफ एक्स। तो इनवर्स का जो डोमेन होता है वो फंक्शन की रेंज होती है, इसमें कोई डाउट नहीं, इनवर्स का डोमेन फंक्शन की रेंज होती है, लेकिन इनवर्स का रेंज जो होता है वो फंक्शन की डोमेन नहीं होती है, प्रिंसिपल डोमेन। अब ये अगर 11th में आपने थोड़ा बहुत इनवर्स पढ़ा है तो आपके लिए इतना सफिशिएंट है, अदरवाइज इनवर्स पढ़ेंगे इसी क्लास में, कोई दिक्कत की बात नहीं। हटाओ यहां से, बोलो बोलो क्या हुआ, ये जो मैंने लिखा है यहां पर लिखा हुआ, देखो ध्यान से तीनों लाइन पढ़ो जरा, कन्वेंशनली इट इज कंसिडर्ड नियरर टू जीरो एंड प्रेफरेबली पॉजिटिव, डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन इज सेम एज रेंज ऑफ द फंक्शन, और रेंज ऑफ द इनवर्स फंक्शन इज सेम एज प्रिंसिपल डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो अगर मैं बोलूं टैन इनवर्स की रेंज क्या होगी, साइन इनवर्स की रेंज क्या होगी, कॉस इनवर्स की रेंज क्या होगी, बोलते जाओ, tan inverse की जो tan का principal domain है minus pi by 2 से pi by 2, sin inverse की minus pi by 2 से pi by 2 closed, cos inverse की 0 से pi closed, ठीक है जी। अब आप देखो method to find out range, हाँ जी तो रेंज निकालने के लिए दो मेथड है, ठीक है, वो दोनों मेथड्स को वर्कआउट करने से पहले आप लिखेंगे पहले रेंज ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, मतलब ये फंक्शन है जिनका रेंज आपको याद रहना चाहिए, मैंने पहले बता दिया आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डोमेन में मैं लिस्ट पूरी कर चुका हूँ। पॉलिनोमियल का रेंज, तो सिर्फ ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो रेंज होगी ऑल रियल,
इवन डिग्री में आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज जीरो से इंफिनिटी, लॉग का रेंज ऑल रियल, क्योंकि लॉग और एक्सपोनेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स। तो लॉग का रेंज मतलब एक्सपोनेंशियल का डोमेन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कब डिफाइंड होता है, हर एक्स के लिए डिफाइंड होता है। साइन एक्स का रेंज माइनस वन से वन, कॉस एक्स का रेंज माइनस वन से वन, टेन एक्स का रेंज ऑल रियल नंबर, कॉट एक्स का रेंज ऑल रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, सीकेंट एक्स का रेंज कॉस का रेसिप्रोकल है, माइनस वन से वन का रेसिप्रोकल होगा माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इंफिनिटी, कॉसेकेंड का रेंज माइनस वन का रेसिप्रोकल माइनस वन टू वन, तो वो भी वही आ जाएगा। साइन इनवर्स का रेंज जो साइन एक्स का डोमेन प्रिंसिपल डोमेन माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, कॉस इनवर्स का रेंज जीरो से पाई, टेन इनवर्स का रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन इंटरवल, टेन कॉट इनवर्स का रेंज कॉट का प्रिंसिपल डोमेन जीरो से पाई ओपन, सीकेंट इनवर्स का रेंज सीकेंट का प्रिंसिपल डोमेन, सीकेंट का प्रिंसिपल डोमेन क्या होगा अभी पीछे लिखवाया मैंने, जीरो से पाई एक्सेप्ट पाई बाई टू, कॉसेकेंट इनवर्स का रेंज जिंट का रेंज इंटीजर्स का सेट, मॉड का रेंज जीरो से इंफिनिटी क्लोज्ड, जीरो क्लोज इंफिनिटी, फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज जीरो टू वन। तो ये आपको जो ये सब एलिमेंट्री फंक्शंस हैं इनकी रेंज निकालने का कोई मेथड नहीं चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जितने फंक्शन मिलेंगे इन्हीं से बनेंगे, इन्हीं फंक्शन से बनेंगे, तो अगर आपको मेथड ऑफ रेंज पता है तो आप इनकी इस नॉलेज को यूज करके रेंज निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे पहला मेथड, चलो एक पहले एक क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, ऐसे ही पूछता हूँ आपसे, देखें आप क्या बताते हैं, इसका रेंज निकाल के बताओ। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन, लॉग ऑफ नहीं छोड़ो, टैन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी रेंज क्या होगी, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो अब सबसे पहले तो ये देखना है कि पहले तो मुझे इस ये कहां से कहां तक वैल्यू ले रहा है ये जानना पड़ेगा, कौन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले आपने किया भी था इसको, क्या क्या होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की रेंज क्या होती है, अरे x को tan थीटा पुट करके भी बताया था मैंने, 2 tan sin 2 थीटा बन गया था, माइनस 1 से 1। अब माइनस 1 से 1 में tan इनवर्स डिफाइंड है बिल्कुल, क्योंकि tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है, tan इनवर्स x फंक्शन का डोमेन क्या होता है, इनवर्स का डोमेन जो फंक्शन की रेंज होती है, तो tan x की रेंज क्या होती है, ऑल रियल, मतलब tan इनवर्स को आप जो चाहो वो इनपुट दे सकते हो, तो माइनस वन से वन इनपुट भी लेगा ये। अच्छा tan इनवर्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो tan कैसा फंक्शन, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में tan इंक्रीजिंग है, तो माइनस वन से वन में भी tan इंक्रीजिंग है। अच्छा tan अगर इंक्रीजिंग है तो tan इनवर्स भी क्या है, फंक्शन और इनवर्स फंक्शन का मोनोटोनिक नेचर सेम होता है, मोनोटोनिसिटी पे लिखवाया हुआ है मैंने। अगर फंक्शन जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग है, वन से बड़ा बेस का एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो वन से बड़े बेस का लॉग भी तो इंक्रीजिंग है, तो फंक्शन और इनवर्स फंक्शन का मोनोटोनिसिटी सेम होती है, जब फंक्शन इंक्रीज करेगा तो इनवर्स भी इंक्रीज करेगा, रेसिप्रोकल नहीं है इनवर्स, इनवर्स फंक्शन इज नॉट रेसिप्रोकल फंक्शन, फंक्शन इंक्रीज करेगा तो रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन डिक्रीज करेगा, साइन इंक्रीज करेगा तो कॉसेकेंट डिक्रीज करेगा,
लेकिन साइन इंक्रीज करेगा तो साइन इनवर्स भी इंक्रीज करेगा, तो इनक्रीजिंग फंक्शन ऑपरेट करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो टेन इनवर्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू टेन इनवर्स वन, एग्रीड आर नॉट? बोलो। अब सिर्फ रह गया कि tan इनवर्स माइनस वन की वैल्यू कैसे आएगी। तो मान लो ये क्या है थीटा, और मान लो tan इनवर्स वन क्या है फाइव। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, tan इनवर्स माइनस वन थीटा है तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा माइनस वन होना चाहिए और tan फाइव वन होना चाहिए। अब tan थीटा माइनस वन में थीटा की तो इनफिनाइट वैल्यू आएगी, लेकिन हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, प्रिंसिपल डोमेन। तो थीटा जो है जीरो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू ओपन में ही होना चाहिए। तो बताओ कौन सा एंगल आया, माइनस पाई बाय फोर, और ये क्या गया फाइव हो गया पाई बाय फोर। तो यहां से वाई की रेंज क्या आई जल्दी बोलो, माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर। तो जहां कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन की रेंज वगैरह निकालनी पड़ेगी वहां प्रिंसिपल डोमेन वगैरह का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, तभी उसको सही से निकाल पाएंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन। एनीवे कोई डाउट कुछ पूछना है इसमें, नहीं हटा दो। अब लिखेंगे मेथड वन, इन्वर्जन मेथड ऑफ फाइंडिंग रेंज, मेथड ऑफ इन्वर्जन या मेथड ऑफ इन्वर्स फंक्शन। मान लो एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन डिफाइन फ्रॉम एक्स टू वाई सच दैट वाई इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। और पहला मेथड है मेथड ऑफ इन्वर्जन, क्या है तो मेथड ये है कि जो ये इक्वेशन दिया ना वाई इक्वल टू एफ एक्स, इसी इक्वेशन का यूज करके एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिखो। पहला स्टेप एक्सप्रेस फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, पहले फंक्शन का डोमेन फाइंड करना, ये सबसे पहला स्टेप है, जीरो स्टेप भी बोल सकते हैं इसको। मान लो डोमेन आ गया अल्फा से बीटा, क्या गया अल्फा टू बीटा। देन स्टेप टू एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई यूजिंग द इक्वेशन ऑफ फंक्शन, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, इसी रिलेशन का इस्तेमाल करके x को y में लिखो तो उसको बोलते हैं x इक्वल टू एफ इनवर्स y। अब पहले स्टेप में डोमेन बोलता है कि x अल्फा से बीटा में लाई करना चाहिए, दूसरे स्टेप से x की वैल्यू निकाली एफ इनवर्स y के टर्म में। अब ये x की वैल्यू y के टर्म में ये डोमेन कंडीशन के अंदर में फीड कर दो, तो पुट सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट कंडीशन। तो स्टेप थ्री apply the domain restriction, that is x lies alpha to beta, therefore f inverse y lies alpha to beta, and then y will lie f alpha to f beta or f beta to f alpha depending upon ki function increasing hai ya decreasing। to iske baad is inequality ko solve karo, to step 4 hai solve the inequality for y and get the range। to yahi char step किसी भी क्वेश्चन में यही चार स्टेप करने हैं आपको, जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं इसमें करके देखते हैं आप मेरे साथ साथ करेंगे। y इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसकी रेंज निकालनी, ठीक है जी। तो एक एक स्टेप बोलो, पहला स्टेप में क्या किया आपने, डोमेन, डोमेन क्या आया बताओ, डोमेन आया ऑल रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। दूसरा स्टेप क्या बताया गया, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, तो वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो वाई वाला टर्म एक्स वाला टर्म एक तरफ ले जाओ, एक्स वाला टर्म को एक साथ ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आया y माइनस थ्री,
इज इक्वल टू माइनस फोर माइनस टू आई, आया ये बार बार वही वाला क्वेश्चन आ गया क्या, वही आ गया, नहीं लूंगा इसको, यहाँ एट कर दो। अब बताओ क्या है, माइनस एट माइनस टू आई आ गया, बोल दो। तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया, टू वाई प्लस एट डिवाइडेड बाई थ्री माइनस वाई, कितनी अच्छी बात। माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ गया, वाई माइनस थ्री। अब डोमेन रिस्ट्रिक्शन लगाओ, तीसरा स्टेप अप्लाई डोमेन रिस्ट्रिक्शन। डोमेन रिस्ट्रिक्शन क्या है भाई, एक्स इज रियल, एक्स रियल है मतलब एक्स स्क्वायर जीरो या जीरो से बड़ा है, तो माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो टू वाई प्लस एट अपॉन वाई माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो बिकॉज माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू जीरो, आया ना। अब इसके बाद सॉल्व हो जाएगा ना, अब तो सिंपल वेविकर मेथड लगाना, दिस इज लेस देन जीरो और इक्वल टू जीरो करेंगे तो वाई की वैल्यू माइनस फोर आएगी। वेविकर मेथड से क्या आएगा, माइनस फोर थ्री पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाई बिलोंग्स टू, माइनस फोर से लेके थ्री ओपन और मतलब यूनियन सिंगलटन माइनस फोर, इसको मर्ज करके फाइनल आंसर क्या है, वाई बिलोंग्स टू माइनस फोर क्लोज्ड से थ्री ओपन, दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, दैट्स इट सिंपल। चारों स्टेप समझ में आ गए, पहला स्टेप क्या है, डोमेन फाइंड करना, रेंज के लिए सबसे पहला काम डोमेन फाइंड करना, दूसरा स्टेप क्या है, एक्स को वाई में कन्वर्ट करना, मतलब वाई को एफ एक्स से एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई लाना, फिर डोमेन कंडीशन को अप्लाई करते हुए एक्स के जगह पर वाई वाला एक्सप्रेशन डाल के वाई की जो इनइक्वालिटी बनी उसको सॉल्व करना, वहां से वाई की जो वैल्यूज आएंगी उसी को क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन, क्लियर। और इस मेथड को क्या बोलते हैं, इनवर्जन मेथड, क्योंकि इसमें एफ इनवर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहे हैं, इनवर्स का जो डोमेन है वही फंक्शन की रेंज है, तो एक्चुअली इनवर्स का डोमेन निकाल रहे हैं। आंसर निकाल बताओ, डोमेन निकाल लिया आपने, ऑल रियल नंबर, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस फोर वाई, यही है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी फोर वाई प्लस थ्री डिवाइडेड बाई लेस देन इक्वल टू जीरो करेंगे तो आएगा वाई बिलोंग्स टू
माइनस 3/4 क्लोज्ड से 1 ओपन आया। अब जरा देखो इसी क्वेश्चन को और कैसे हम सोच सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा ये फंक्शन एक इवन फंक्शन है, क्योंकि x को माइनस x करने पर इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब है कि जीरो से इंफिनिटी जो रेंज आएगी वही रेंज माइनस इंफिनिटी से जीरो में भी आएगी, क्योंकि प्लस वैल्यू दो या माइनस इनपुट दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो रेंज निकालने के लिए मैं सिर्फ जीरो से इंफिनिटी पे ही सोचूं तो भी चले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑन इट? जीरो पर वैल्यू क्या है? माइनस 3/4। जीरो पर माइनस 3/4 और इंफिनिटी पर वैल्यू क्या है? इंफिनिटी पर वैल्यू नहीं निकलेगी, रेंज लिमिट निकलेगी, लिमिट। तो लिमिट निकालने के लिए आ जाएगा 1 - 3/x² डिवाइडेड बाय 1 + 4/x² 1/x का फंक्शन बना के x को इंफिनिटी अप्रोच कराओ तो क्या आएगा 1। बट ये लिमिट होगा क्योंकि x की वैल्यू ना कभी इंफिनिटी होगी ना ये वैल्यू कभी अटेन होगी, ये सिर्फ टेंड करेगा, इसलिए 1 ओपन इंटरवल होगा। तो आंसर आएगा -3/4 बट ये काम करने से पहले आपको काफी स्मार्ट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने क्या मान के किया कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इसलिए मिनिमम वैल्यू जीरो दिया तो मिनिमम वैल्यू मिली और मैक्सिमम वैल्यू दिया तो मैक्सिमम वैल्यू मिली। बट ये मुझे कैसे पता चला कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है? मुझे कैसे पता चला? तो मुझे ऐसे पता चला क्योंकि मैंने मेंटली कुछ कैलकुलेट किया, x² + 4 - 7/x² + 4 1 - 7/x² + 4 और वो सारी कहानी अपने मैंने दिमाग में करी। क्या x² + 4 इंक्रीज कर रहा है तो रेसिप्रोकल डिक्रीज कर रहा है, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब वो टेक ऑफ कर रहा है, जैसे प्लेन यहां से उड़ रहा है तो जहां से स्टार्ट करेगा वहां उसकी मिनिमम हाइट होगी, और जहां लैंड नहीं लैंड करेगा तो डिक्रीजिंग हो जाएगा ना, ऐसे उड़ते जा रहा है। तो जब तक वो इंक्रीज कर रहा है तो टर्मिनल पॉइंट पर उसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी जहां रुकेगा इंक्रीज करते हुए, ठीक है। तो उसी से मैंने जीरो और इंफिनिटी पर वैल्यू निकाली। तो ये स्मार्टनेस भी आप यूज कर सकते हैं प्रोवाइडेड यू आर श्योर दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो कर सकते हैं। क्लियर है? और ये करना है, मतलब ये आपको मैं आपका फ्यूचर दिखा रहा हूं कि फ्यूचर में आप ऐसे डिसीजन लेंगे, अभी तो आप ऐसे ले रहे हैं ना ऐसे। एनीवे क्या हुआ, कोई बार वेट करा गया भाग्या? आगे क्लास है, कोई बात नहीं। थी एक और चीज मैं बता दूं थोड़ा सा यहीं पर, फिर उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ। मेथड टू भी लिख दो यहीं पर जल्दी से, मेथड टू। 5 मिनट देना भाई, मेथड टू है बेटा, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कंपोजिशन। मेथड ऑफ कंपोजिशन में करते क्या है, ये बहुत सिंपल सा मेथड है, बोलने के लिए बताने के लिए बहुत सिंपल है, करने के लिए बहुत मजे आ जाते हैं। मेथड ऑफ कंपोजिशन में क्या करते हैं, एक्स फाइंड, पहला स्टेप तो वही है फाइंड। हाँ ये तो आपका मूल मंत्र है, मान लो आ गया अल्फा टू बीटा। दूसरा स्टेप क्या है, एक्सप्रेस द फंक्शन as y is equal to f of g of h of x, ऐसा उसको कंपोनेंट फंक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा कि x से क्या बना, फिर उसके ऊपर क्या ऑपरेट हुआ, फिर उसके ऊपर क्या ऑपरेट हुआ, ऐसा, ठीक है। तो मान लो आ गया f of g of h x आ, ठीक है। तो इन f g h को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंपोनेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट फंक्शंस या कंपोज्ड फंक्शंस। तीसरा स्टेप क्या करेंगे, टेस्ट द मोनोटोनिसिटी ऑफ कंपोनेंट फंक्शंस। जो वो फंक्शन जिन जिन कंपोजिट जिन जिन कंपोनेंट से बना हुआ है उन कंपोनेंट फंक्शन की मोनोटोनिसिटी, जैसे साइन ऑफ लॉग ऑफ 1/x, तो 1/x डिक्रीजिंग फंक्शन है, लॉग बेस के ऊपर डिपेंड करते हुए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा साइन,
साइन इंटरवल के बेसिस पर कभी इंक्रीज करेगा कभी डिक्रीज करेगा, तो आपको मोनोटोनिसिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, मान लो कि मोनोटोनिसिटी आ गई, मान लो आ गया क्या कि ये वाला इंक्रीजिंग है और ये वाला डिक्रीजिंग है और ये वाला भी डिक्रीजिंग है। मान लो एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल कैसे मोनोटोनिसिटी पता करते हैं, ये तो आपको पता है ना डेरिवेटिव लेकर के। हाँ जी, वो आप समझदार हो कर लेंगे। चौथा स्टेप, स्टार्ट विद द डोमेन अल्फा लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बीटा, यहां से स्टार्ट करो। अब सबसे पहले क्या ऑपरेट करोगे, एच। एच कैसा फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी हाँ रिवर्स हो जाएगी। फिर जी, जी कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग, फिर से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। फिर f, f कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, इनइक्वालिटी चेंज। ठीक है, तो ये आ गया, मान लो ये नंबर आ गई स्मॉल m और ये आ गया कैपिटल m, तो आ गया रेंज, आ गई रेंज y varies this to this। तो बस यही करना है। अब कल की क्लास में आप सबसे पहले तो सेवेंथ गेम तक के सारे सम्स डाउट लेकर के आएंगे, ठीक है, और वो डाउट्स के साथ साथ तब मैं रेंज पर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना। तो वैसे आप अपने एंड पर रेंज की प्रॉब्लम आप करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो आपकी एक्सरसाइज आई थिंक गेम 7 या गेम 8 है जिसमें डोमेन ऑरेंज, उसमें रेंज की भी प्रॉब्लम है, तो आप शुरू कर सकते हैं। कल की क्लास का टाइम इनका क्या है, 8:30 8:30